अगला क्या क्वेश्चन है, केवीएल इज अप्लाइड इन, बताओ किस में अप्लाइड करते हैं हम केवीएल, केसीएल हमने पढ़ा है, केवीएल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, केवीएल हम यूज़ करते हैं किस में, मैश एनालिसिस में, ठीक है, केसीएल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, नोडल में, ठीक है, केसीएल के लिए नोडल है, ये हो जाएगा केसीएल का, और मैश एनालिसिस अपने पास क्या आ जाएगा, केवीएल का आ जाएगा, राइट, कोई डाउट, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, पावर इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ओनली, पावर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट ओनली, पावर इज प्रोपोर्शनल, पावर इज नीदर प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज नॉर द करंट, या फिर पावर इज प्रोपोर्शनल टू बोथ द वोल्टेज एंड करंट, सिंपल, पावर क्या होती है, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट, वी इनटू आई, सिंपल, ठीक है, और क्या होती है, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और क्या होती है, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर इनटू आर, इस फॉर्म में होती है, पावर का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, और क्या होता है, पावर इक्वल्स टू हाफ, वो एनर्जी के केस में क्या हो जाएगी, पावर को आप चेक करो, ठीक है, इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में, राइट, चलो अभी रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ, ठीक है, चलो ये हो जाएगी, अब क्या है अपने पास, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पावर क्या है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ वोल्टेज एंड करंट वैल्यू, राइट, बोथ वोल्टेज एंड करंट वैल्यू, आओ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बताओ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये किस फॉर्म में होता है, ये बताओ फटाफट से, देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, कि चार्ज इज नेवर, चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ना उन्हें कभी बनाया जा सकता है, ना उन्हें कभी मिटाया जा सकता है, चार्ज तो चार्ज है, ठीक है ना, इसी तरीके से एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, और किसी भी सिस्टम में जो है वो क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है, इसी तरीके से चार्ज भी अपने पास क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, सो वी कैन से दैट, अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की यहाँ पे बात करूँ, तो क्या इट इज़ द प्रिंसिपल दैट टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में वो सेम रहने वाला है, मैंने यहाँ पे एक सिस्टम लिया है जहाँ पे एक में तो 10 कूलम्स का चार्ज है और दूसरे में कोई भी चार्ज नहीं है, तो बेसिकली चार्ज क्या है, चार्ज यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफ़र होंगे, ना ही वो क्रिएट होंगे, ना ही वो डिस्ट्रॉय होंगे, यानी कि यहाँ से कोई चार्ज अंदर नहीं आ पाएगा और यहाँ से कोई चार्ज बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है, कोई भी चार्ज ना अंदर आ पाएगा ना बाहर जा पाएगा, पूरे के पूरे आइसोलेटेड सिस्टम में वो चार्ज क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहने वाले हैं, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तो वो चार्ज ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन इसके बाहर, सिस्टम के बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, सो सिस्टम कैन नेवर बी चेंजेस, द नेट क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज माइनस द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, क्या रहेगा, यहाँ से जैसे चार्ज यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी में आए हैं तो चार्ज क्या हो गए, ट्रांसफ़र हो गए, तो टोटल क्या हो गए, 5+5 फिर से 10 हो गए, तो क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, यहाँ पे भी पहले क्या थी 10 वैल्यू थी, यहाँ पे भी क्या आ गई, 10 वैल्यू आ गई, तो चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है, इसलिए पूरा का पूरा जो चार्ज है वो क्या है, कंजर्व्ड हो जाता है, एक ही उसमें सिमट के रह जाता है, एक ही सिस्टम में ही रहते हैं, चार्जेस बाहर नहीं जाते, बाहर का कोई एक्सटर्नल चार्ज अंदर नहीं आता किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, नेक्स्ट आओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी को भी हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र हो सकती है, कैसे, अगर मान लो हम बेसिकली क्या है, फ्यूल, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो क्या है, केमिकल एनर्जी, लेकिन उसको क्या कर दिया हमने, जब भी हम बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या हो जाता है, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ऑफकोर्स मैकेनिकल एनर्जी में, तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, क्या हो रही है, फ्यूल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द हीट एंड लाइट एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकली वो चेंज हो जाएगी, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लो, अगर हम टॉर्च की बात करते हैं तो टॉर्च में भी क्या है, केमिकल बैटरीज हैं जो कि केमिकल से बनती हैं, तो बैटरीज किससे कन्वर्ट हो जाती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, मान लो हमारा कोई भी सेल है, घड़ी में हमने सेल चलाया है, या फिर जो है ये माइक है, माइक में अगर मैंने सेल डाला है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, इसीलिए ही आप जो है ये लाइव लेक्चर आप लोग हम लोगों को देख पाते हो, ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो क्या होते हैं, पूरे के पूरे सिस्टम में कंजर्व्ड रहेगी, यानी कि एक से दूसरे में ट्रांसफ़र तो हो सकते हैं, लेकिन क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी, एग्जाम्पल इन अ लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, ठीक है, साउंड में बदल जाती है, माइक्रोफोन में क्या होता है, जो भी साउंड एनर्जी होती है वो किससे कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से,
बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो क्या है जनरली, क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, किस केस में, जब भी हम कार या फिर कोई भी ऑटोमोबाइल को ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हेयर। आ गया वापस से क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब भी हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो वो क्या आता है, करंट की फॉर्म में आता है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, किरचॉफ्स करंट लॉ फॉलो करता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, और के बी एल फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ठीक है, के बी एल फॉलो करता है एनर्जी को, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो के बी एल हो गया है, के सी एल जो है क्या हो जाएगा, के सी एल, के सी एल चार्ज के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को यहाँ पे फॉलो करता है। राइट, कोई डाउट, आगे चलते हैं। अगला जो कंसेप्ट है वो है मैश का, मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस इज द एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ विच इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द करंट ऑफ ईच लूप इन अ नेटवर्क। ठीक है, अभी जैसे हमने देखा था क्या कि नोडल एनालिसिस जो है वो केसीएल में आया था, केसीएल प्लस ओम्स लॉ को मिला के हमने क्या बनाया था, एक नोडल एनालिसिस बनाया था। यहाँ पे क्या है, मैश एनालिसिस, मैश एनालिसिस किससे बन रहा है, यहाँ पे केवीएल से बन रहा है और ओम्स लॉ से बन रहा है। तो मैश एनालिसिस बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ केवीएल विच इज़ यूज टू कैलकुलेटिंग द करंट। यानी कि जब भी मैंने नोडल की बात की थी, नोडल एनालिसिस उससे हम क्या निकालते थे, वोल्टेजेस निकालते थे, और जब भी मैं मैश की बात कर रही हूँ, मैश एनालिसिस, तो इससे मैं क्या निकाल रही हूँ, करंट निकाल रही हूँ, इससे करंट की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। राइट, अब यहाँ पे एक सर्किट गिवन है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे करंट है आई वन और यहाँ पे करंट आई टू, जो भी मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन बताया था उसी फॉर्म में। यहाँ पे है आर वन, आर टू और आर थ्री रेजिस्टेंसेज, यहाँ पे गिवन है वैल्यूज, एक इनपुट वोल्टेज गिवन है यहाँ पे और एक आउटपुट वोल्टेज गिवन है यहाँ पे। ठीक है भाई, आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे गिवन है। अब क्या करना है इसमें बताओ, सर्किट है एक, मैश एनालिसिस लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, यहाँ पे ये जो करंट जा रहा है इसी फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ पे जो ये रेजिस्टर है इसको चेक करो, इनपुट करंट है यहाँ से आई वन, ठीक है, एक करंट यहाँ पे जा रहा है और एक करंट यहाँ पे अपना जा रहा है। तो यहाँ पे जब भी मैं इस नोड पे, इस वाली नोड पे इसकी बात करूँ, तो करंट क्या है आई वन जो कि इनपुट है, इनपुट करंट ये हो गया इक्वल्स टू आउटपुट यानी कि आउटगोइंग करंट आई टू प्लस, लेट सपोज ये क्या है अपने पास आई थ्री करंट है जो कि आर थ्री में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई थ्री करंट। ठीक है, यानी कि करंट एंटरिंग टू द नोड इज इक्वल्स टू द लिविंग करंट, यानी कि सम ऑफ द लिविंग करंट ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, सो देयरफॉर आई थ्री की अगर मुझे वैल्यू पता करनी है, आई थ्री क्या हो जाएगा, आई टू इधर चले जाएगा, वी विल गेट आई वन माइनस आई टू, ये हो जाएगा वही वैल्यू हमें यहाँ पे मेंशन है। तो आर थ्री में जो करंट जाएगा वो आर थ्री पे जो है सेंटर में लगा है, इसलिए इस पे जो इफेक्ट है वो आई वन का भी होगा और इस पे जो इफेक्ट है वो आई टू का भी होने वाला है। ठीक है, तो हमेशा इस टाइप के सर्किट्स को हम मैश एनालिसिस से सॉल्व करते हैं, लेकिन मैश में और नोडल में सिर्फ एक डिफरेंस यही है कि जब भी आप मैश एनालिसिस यूज़ करते हो हमारे पास बहुत सारी करंट की वैल्यूज आ जाती हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने पास डिफ़िकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि आप नोडल एनालिसिस को ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, नोडल वाले को ही प्रैक्टिस में लेके आओ, सो दैट यू गाइज विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आई टू करंट ये है। ठीक है, तो इस सर्किट में क्या करना है, बेसिकली यहाँ से जब भी ये वैल्यू गई है तो क्या आ जाएगा, मान लो यहाँ पे प्लस वी वन है, यहाँ पे माइनस है, सो दिस विल बी माइनस ऑफ वी वन, वोल्टेज लगा रहे हैं हम लोग, प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज बताओ वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, आई इंटू आर वन, ये हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस आई वन इंटू आर वन हो जाएगी, क्योंकि आई वन करंट वहाँ पे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे आई वन, अभी आई वन करंट आर थ्री में भी फ्लो कर रहा है, लेकिन आर थ्री में जो करंट है वो क्या है, आई वन माइनस आई टू के फॉर्म में, सो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर थ्री में बताओ क्या है, आर थ्री का जो करंट है वी इक्वल्स टू आई इंटू आर लगेगा, यहाँ पे वी इक्वल्स टू आई थ्री इंटू आर थ्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई थ्री इंटू आर थ्री, तो आई थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई वन माइनस आई टू एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या हो गया, दिस इज आवर के वी एल सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अ वोल्टेज, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ वोल्टेज, बस वैल्यूज पुट कर दो, क्या हो जाएगी, माइनस वी वन प्लस आई वन इंटू आर वन प्लस आई थ्री क्या है, दिस इज आई वन माइनस आई टू इंटू आर थ्री एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो, क्या लग गया ये, के वी एल। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे
आई वन और आई टू की इक्वेशन मुझे यहाँ पे मिलती है। कैसे मिलती है देखो फटाफट से, इस वाले वी वन को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं और यहाँ पे क्या है, दिस इज आई वन इंटू आर थ्री, तो यहाँ पे आई वन को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आर वन प्लस यहाँ पे क्या हो गया आई वन इंटू आर थ्री माइनस आई टू इंटू आर थ्री एंड दैट इज इक्वल्स टू वी वन। ये वाला वी वन उठ के राइट हैंड साइड में चले गया है। अब क्या करना है, इन दोनों में से आई वन को कॉमन ले लो। आई वन को जब भी मैंने यहाँ पे कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, आई वन कॉमन आ गया, आर वन प्लस आर थ्री बचा, ठीक है, माइनस आई टू इंटू आर थ्री एंड दैट इज इक्वल्स टू वी वन। तो ये बन जाएगी इधर इक्वेशन नंबर वन। क्यों? क्योंकि मैश एनालिसिस हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट ओनली। तो एक करंट की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, एक करंट की वैल्यू मुझे आई टू यहाँ पे मिलेगी। तो जो भी हमारी इक्वेशंस बनेंगी वो क्या है, नंबर ऑफ लूप, लूप करंट, जितने भी लूप करंट होंगे, ध्यान रखना जितने भी लूप करंट होंगे उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस हमें फॉर्म होके आने वाली है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लूप कितने हैं यहाँ पे, आई वन और आई टू ही है, तीसरा कोई करंट है नहीं, तो इसलिए इक्वेशन नंबर दो ही हमें मिलेंगे, सिर्फ दो इक्वेशंस हमें मिलेंगी। पहली इक्वेशन लूप वन से मिल गई है, दूसरी इक्वेशन लूप टू से मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देखो, लूप टू से, ये समझ आ गई ना, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि याद रहे, ये हो जाएगी अपने पास आई वन इंटू आर वन प्लस आर थ्री माइनस आई टू इंटू आर थ्री दैट इज इक्वल्स टू वी वन। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर वन बनी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको रब कर लो, ठीक है। चलो आप लोग भी करके देखो, तब तक क्या आंसर आएगा मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, फटाफट से करो भाई, इतने स्लो नहीं हो ना, इतने स्लो नहीं हो ना, बंटी नहीं बनना, ठीक है। सुना होगा वो एडवर्टीजमेंट, तो आप सबने क्या सुना है, डिटॉल वाला, चलो ठीक है। चलो सेकेंड वाले लूप में लगाओ, यहाँ पे क्या है, दिस इज प्लस और माइनस, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे करंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, या तो यहाँ पे लगा लो इस तरीके से है, सो दिस विल बी आवर माइनस ऑफ आर थ्री इंटू आई वन माइनस आई टू, ठीक है, और क्या हो जाएगा प्लस आई टू इंटू आर थ्री एंड प्लस यहाँ पे क्या है, प्लस है और यहाँ पे है माइनस, तो प्लस वी नॉट एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ये बन जाएगी थर्ड वाली इक्वेशन, यहाँ पे बस इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा माइनस आई वन, यहाँ पे आई वन इंटू आर थ्री माइनस माइनस प्लस आई टू इंटू आर थ्री हो जाएगा एंड प्लस आई टू इंटू आर थ्री इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी नॉट। ये बन जाएगी, यहाँ से चेक करो, आई टू इंटू आर टू है इधर, ठीक है, आई टू इंटू आर टू। अब क्या करना है, आई वन करंट हमें गिवन है, यहाँ पे है आई वन इंटू आर थ्री के फॉर्म में, माइनस को कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, यहाँ से आई टू को कॉमन ले लो, माइनस ऑफ आई टू आर टू प्लस आर थ्री आ जाएगा अपने पास एंड क्या बन जाएगा इधर, दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट। ये बन गई अपने पास इक्वेशन नंबर टू। तो देखो आई वन यहाँ पे भी है और आई टू है, यहाँ पे भी क्या है, पहले वाले इक्वेशन में आई वन है और यहाँ पे क्या है आई टू है, बस क्या करना है, x प्लस वाई के फॉर्म कैसे होती थी, x प्लस टू वाई इक्वल्स टू थ्री, टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फोर, तो हम क्या करते थे, इन दोनों को सेम बनाने की कोशिश करते थे, तो यहाँ पे क्या करते थे, हम टू से मल्टीप्लाई, बेसिक मैथ है, बस इसी तरीके से आई वन आई टू को सॉल्व कर लो, ठीक है। जो भी हमें आर वन आर टू आर थ्री की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज भी कुछ ना कुछ वैल्यूज हमें गिवन होगी, बस जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको आप इसी तरीके से मैश एनालिसिस लगा के कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है भाई। चलो इफ देयर आर एन लूप इन द सर्किट एन नंबर ऑफ मैश इक्वेशंस कैन बी फॉर्म्ड, यानी कि पहले क्या थे, एक लूप इधर था आई वन था और एक लूप इधर था आई टू था, तो कितने नंबर ऑफ इक्वेशंस हमें मिली थी, दो इक्वेशंस मिली थी, ठीक है, टू इक्वेशंस। तो जितने नंबर ऑफ लूप होंगे, जितने नंबर ऑफ मैश होंगे, उतनी ही हमें क्या मिलने वाली है, इक्वेशंस मिलने वाली है, वही यहाँ पे लिखा है। सो एज देर आर टू लूप इन द सर्किट सो टू मैश इक्वेशंस विल बी फॉर्म्ड ओनली, ठीक है, टू मैश इक्वेशन विल बी फॉर्म्ड। चलो क्वेश्चन करो फटाफट से,
इन द फिगर शोन बिलो द करंट थ्रू द लूप वन बी आई वन एंड थ्रू द लूप टू बी आई टू, यानी कि यहाँ पे जो करंट है वो क्या है आई वन है और यहाँ पे जो करंट है ये क्या है आई टू है, एक लूप और दो लूप हमें गिवन है, क्या निकालना है। देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर आर टू विल बी, आर टू में जो करंट फ्लो कर रहे हैं वो क्या होगा, ये वाली वैल्यू बता दो क्या होगी। यहाँ पे ये जो करंट आया है बी वन के उससे मान लो कि ये आई वन है, यहाँ पे जो करंट आया और एक करंट यहाँ पे आया है, ठीक है, मान लो इसको आई वन है, ये आई थ्री है और यहाँ पे क्या है आई टू करंट है, इस तरीके से हमें करंट पता है। सो देयर फोर आई कैन राइट हेयर, जब भी यहाँ पे करंट आया क्या आया इन एंटरिंग करंट आई वन इक्वल्स टू सम ऑफ लिविंग करंट्स आई टू प्लस आई थ्री, ये आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन भी पढ़ लेना, लूप वन में क्या है आई वन है, थ्रू लूप टू है आई टू है, लूप टू में क्या है आई टू करंट है यहाँ पे, ठीक है भाई। चलो क्या निकालना है हमें, करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर आर टू, आर टू का करंट निकालना है, तो आर टू के लिए करंट क्या हो जाएगा आई टू, ठीक है, और आई टू क्या हो जाएगा आई वन माइनस आई थ्री, इस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो आई टू इक्वल्स टू आई वन माइनस करंट थ्रू द आर थ्री रजिस्टेंस, ठीक है, तो ये हो जाएगा आई वन माइनस आई थ्री, यहाँ पे है आई थ्री, लेकिन यहाँ पे क्या लिया है आई थ्री को ही ना लेके ये वाला लूप इस तरीके से जा रहा है, तो हेयर आई थ्री क्या है अपने पास, आई थ्री बताओ, इसको हटा देते हैं, आई थ्री को हम कैलकुलेट करते हैं फटाफट से, आई थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी आई वन माइनस आई टू, क्या हो जाएगी आई थ्री करंट, आई थ्री इक्वल्स टू आई वन माइनस आई टू हो जाएगी, ठीक है, तो आई थ्री में क्या करंट गया है आई वन माइनस आई टू, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसको चेक कर लेना, यहाँ पे आई आर थ्री या फिर यहाँ पे क्या है आई टू यहाँ पे गिवन होगा इस तरीके से, तो आर टू में भी यही वाला करंट अपना फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई टू, आई टू इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला करंट अगर इस तरीके से जाएगा तो ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो करंट की जो भी डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन है हम लोग उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर वन, तो यहाँ पे क्या है करंट आई वन करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आई टू करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से आई टू करंट फ्लो हो रहा है। क्वेश्चन में क्या बोले, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर आर थ्री, ये क्या है अपने पास आर थ्री है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आर टू में तो ऑलरेडी गिवन है, तो माइनर सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो आप ठीक कर लेना, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, देयर फोर वी कैन से हेयर इन इन इनकमिंग करंट या फिर एंटरिंग करंट इक्वल्स टू द सम ऑफ लिविंग करंट, सो आई टू प्लस आई थ्री, लेट सपोज आर थ्री में जो करंट जा रहा है वो क्या है अपने पास आई थ्री है, सो देयर फोर वी कैन से आई थ्री इक्वल्स टू आई वन माइनस आई टू, आई वन माइनस आई टू, ठीक है, तो वट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है, राइट, कोई डाउट, आगे चले, चलो आगे बढ़ते फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, वट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द 6 ओम रजिस्टर फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, यहाँ पे क्या है 2 है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, पिछला लेक्चर जाके देख लो, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन रहता है, इन अ सर्किट विद मोर नंबर ऑफ लूप्स विच लॉ कैन बी बेस्ट सूटेड फॉर द एनालिसिस, बताओ अगर बहुत ज़्यादा लूप है ना, बहुत ज़्यादा जो है हमें करंट की वैल्यूज गिवन है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, बेस्ट सूटेड, ठीक है, इन द सर्किट विद मोर नंबर ऑफ लूप्स विच लॉ इज बेस्ट सूटेड फॉर द एनालिसिस, कौन सा लॉ हम लगाएंगे बताओ, मैश, मैश क्या है अपने पास केवीएल है, ठीक है, मैश क्या है अपने पास केवीएल है, मोर नंबर ऑफ लूप्स है तो जब भी ज़्यादा लूप दिए हैं तो हमें क्या लगाना होता है, केवीएल हमें लगाना होता है, यानी कि मैश एनालिसिस, ठीक है, राइट।